नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जो कि 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, और उसका सामना KGF 2 जो कि यश की जबरदस्त फिल्म है उससे होने वाला था। तो आमिर खान ने दोस्तों एक बार फिर से अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी है। दोस्तों बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, पोस्टपोन कर दी है, मैटर चलता रहता है। लेकिन दोस्तों क्यों पोस्टपोन किया इसके बारे में आमिर खान ने एक अजीब सा तर्क दिया है कि उनकी फिल्म अभी तक पूरी नहीं हुई है, उनकी फिल्म का कुछ काम बाकी है। ये तर्क दोस्तों लोगों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि आमिर खान 25 दिसंबर 2021 को भी क्रिसमस के मौके पर फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार थे, और जहां उसका टकराव अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे से होने वाला था, और आमिर खान ने उस समय अक्षय कुमार से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दीजिए ताकि दोनों ही फिल्मों को कलेक्शन के मामले में नुकसान नहीं हो। और दोस्तों अक्षय कुमार ने आमिर खान की बात को मानते हुए अपनी फिल्म बच्चन पांडे की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दी थी, और दोस्तों इस कारण आमिर खान ने अक्षय कुमार को थैंक यू भी बोला था। अब दोस्तों आमिर खान ने फिर से 14 अप्रैल को अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। तो दोस्तों फिल्मी गलियारों में चर्चा है कि क्या आमिर खान यश से डर गए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यश का जो स्टारडम है बहुत बड़ा है, और जो KGF का जो फर्स्ट पार्ट था बहुत बड़ा हिट रहा था, और KGF चैप्टर 2 भी जबरदस्त फिल्म है जिसमें संजय दत्त भी जबरदस्त रोल में है। तो दोस्तों आमिर खान को लगता था कि इस फिल्म से टकराने में कोई फायदा नहीं है, कोई भलाई नहीं है, और उनकी फिल्म को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। शायद इसीलिए आमिर खान ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी। अब दोस्तों यहां तक तो ठीक है, लेकिन दोस्तों आमिर खान ने जो नई रिलीज डेट तय की है उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों आमिर खान ने जो नई रिलीज डेट तय की है वो है 11 अगस्त 2022, और उस दिन दोस्तों रक्षाबंधन है। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि उस दिन प्रभास कीर्तिसेन की फिल्म आदि पुरुष रिलीज होने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष भी एक बड़े बजट की माइथोलॉजी की फिल्म है जिसमें प्रभास श्री राम के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आप ये बताइए कि जब इतनी बड़ी फिल्म के सामने आमिर खान को फिल्म रिलीज करनी थी, हालांकि दोस्तों अब आदि पुरुष 11 अगस्त को रिलीज नहीं होगी, आमिर खान ने जिस तरह से अक्षय कुमार को पहले मनाया था उसी तरह से प्रभास को भी मना लिया है कि वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दे। और दोस्तों प्रभास मान भी गए, प्रभास इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि ठीक है, क्लेश टालने के लिए मैं अपनी फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दूंगा। तो दोस्तों जिस तरह से अक्षय कुमार को आमिर खान ने मनाया था, उन्होंने प्रभास को भी इस बात के लिए राजी कर लिया है कि आदि पुरुष अब 11 अगस्त को रिलीज नहीं होगी। तो दोस्तों यहां तक भी ठीक है, आमिर खान ने प्रभास को भी धन्यवाद बोल दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मामला खत्म नहीं होता है, मामला यहाँ पे और गंभीर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 11 अगस्त को रक्षाबंधन है, और उस दिन अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन भी रिलीज हो रही है। अब दोस्तों क्या आमिर खान फिर से अक्षय कुमार को मनाएंगे? क्या उन्होंने फिर से अक्षय कुमार को ये कहेंगे कि आप अपनी फिल्म की रिलीज डेट फिर से आगे बढ़ा लीजिए? लेकिन दोस्तों मैं आपको कंफर्म कर दूं कि अक्षय कुमार ने स्पष्ट कर दिया है, रक्षाबंधन के मेकर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी हालत में अब फिल्म की रिलीज डेट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन 11 अगस्त को यानी कि रक्षाबंधन के दिन ही रिलीज होगी, क्योंकि ये फिल्म भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है। तो दोस्तों अब इन दोनों फिल्मों के बीच, अक्षय कुमार की रक्षाबंधन तथा आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बीच जबरदस्त क्लेश होना तय है, और देखना यह होगा कि कौन सी फिल्म बाजी मारती है। एक तरफ जहां आमिर खान का जबरदस्त फैन फॉलोइंग और जबरदस्त स्टारडम है, वहीं अक्षय कुमार का भी इन दिनों सितारा बहुत ज्यादा बुलंदी पर है और उनकी फिल्में जबरदस्त बिजनेस कर रही है। दोस्तों आमिर खान ने ये डेट क्यों चुनी इसका भी कारण बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि दोस्तों 11 अगस्त को रक्षाबंधन है, उसकी हॉलीडे होता है, उसके बाद में शनिवार आ जाता है, संडे आ जाता है, उसके बाद में 15 अगस्त आ जाती है, तो उस दिन भी छुट्टी है। तो दोस्तों इस प्रकार फिल्म को 5 दिन का मतलब हॉलीडेज मिल रहा है, मतलब 5 दिन का बिल्कुल शानदार टाइम मिल रहा है कि दर्शक खूब फिल्म देख सकते हैं और फिल्म को खूब अच्छा कलेक्शन प्राप्त हो सकता है। तो आमिर खान ने यहाँ पे दिमाग लगाया कि फिल्म को 5 दिन मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आमिर खान ने ये नहीं सोचा कि अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन, जिसकी रिलीज डेट पहले ही 11 अगस्त कन्फर्म कर दी गई है, और क्योंकि फिल्म रक्षाबंधन पर ही आधारित है, भाई बहन के रिश्तों पर ही आधारित है, तो अक्षय कुमार किसी भी हालत में अपनी रिलीज डेट को चेंज नहीं करने वाले है। तो दोस्तों अब ये मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, और देखने वाली बात होगी कि दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म भारी पड़ती है, आमिर खान की फिल्म या अक्षय कुमार की फिल्म। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।